चलो देखोगे पहला पॉइंट है प्रत्येक सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर प्रत्येक संख्या का वर्ग क्या होता है संख्या कोई भी इवेंट नंबर है जैसे मान लिया जाए दो, दो क्या है सम संख्या इसका स्क्वायर भी क्या होगा चार या मान लिया जाए चार संख्या इसका स्क्वायर क्या होगा सोलह मान लिया जाए सम संख्या इसका स्क्वायर क्या होगा छत्तीस तो सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है पहला पॉइंट प्रत्येक सम संख्या का वर्ग क्या होता है सम संख्या दूसरा पॉइंट प्रत्येक विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है कोई भी ऑर्ड नंबर लीजिए जैसे एक इसका स्क्वायर क्या होगा बताओ एक दो का तीन विषम संख्या है इसका स्क्वायर क्या होगा नौ पांच विषम संख्या इसका स्क्वायर क्या होगा पच्चीस तो विषम संख्या का वर्ग क्या होता है विषम संख्या और संख्या का वर्ग क्या होता है संख्या इवेंट नंबर का स्क्वायर इवेंट नंबर ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड नंबर सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है और विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है इवेंट नंबर का स्क्वायर सम संख्या सम संख्या का वर्ग सम संख्या होगा और विषम संख्या का स्क्वायर विषम संख्या होगा क्लियर चलिए समझ में आ गया दूसरा पॉइंट पे चलते हैं क्या कह रहा है दो परिमे संख्या दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होगी परिमेय संख्या यानी संख्याल नंबर मान लिया क्वेश्चन पूछ दे एक बटा दो और तीन बटा चार के बीच परिमेय संख्या निकाले तो इन दोनों को जोड़ोगे और किससे डिवाइड करोगे दो से तो डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ चार और यहाँ पर हो जाएगा दो प्लस तीन और इसको किससे भाग देना है दो से तो क्या हो जाएगा पांच बटा चार और ये बटा में टू है तो वन बाई टू तो, तो पाँच बटा क्या हो जाएगा आठ बात समझ में आया तो दो परिमय संख्या के बीच अनंत परिमय संख्या होगी क्यों क्योंकि एक बटा दो के बीच में अब एक बटा दो और पाँच बटा आठ के बीच निकालना है तो फिर दोनों को जोड़कर किससे डिवाइड करेंगे दो से दोनों को जोड़कर किससे डिवाइड करेंगे दो से जैसे दो परिमय संख्या के बीच परिमय संख्या निकालना है तो दोनों को जोड़कर किससे भाग दिया दो से अब जो आया उसको जो आया उसको और जो पहले वाला जो था उसको दोनों को लेकर फिर दो से डिवाइड करेंगे फिर जो है उसको और इसको लेकर डिवाइड करेंगे तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होगी क्लियर <coughs> परिमेय और अपरिमेय का गुण योगफल और गुणनफल दोनों अपरिमेय होगा जैसे ये परिमेय संख्या है सपोजिट और ये अपरिमेय है तो दोनों का योगफल भी क्या होगा इसको हम लोग कहेंगे अपरिमेय और ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय है तो दोनों का गुणनफल भी क्या होगा अपरिमेय बात समझ में आया परिमेय और अपरिमेय का जो योग होगा वो परि अपरिमेय होगा और परिमेय परिमेय और अपरिमेय का जो गुणनफल होगा वो भी अपरिमेय होगा ध्यान दीजिए दो तो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या मतलब दोनों को जोड़कर किससे डिवाइड करेंगे दो से अब जो आया उसके और इसको लेके बनाएंगे फिर दो आएगा तो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होगी और परिमेय और अपरिमेय का योग भी परिमेय होगा और परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल भी क्या होगा अपरिमेय परिमेय और अपरिमेय का योग भी अपरिमेय और परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल भी क्या होगा अपरिमेय क्लियर चलिए अगला पॉइंट क्या करा परिमेय संख्या दो परिमेय संख्या का योग और गुणनफल हमेशा परिमेय ही होगा जैसे ये परिमेय संख्या और ये भी परिमेय है दोनों का जोड़ क्या होगा ये भी परिमेय होगा और दो परिमेय और ये भी परिमेय दोनों का गुणनफल भी क्या होगा पड़ी में परिमय तीन बटा चार और दो बटा तीन इन दोनों का गुणनफल क्या होगा बताओ काटोगे तो वन बाय टू ये भी परिमेय आया अपिमय और अपरिमय दोनों का योग भी निकालोगे तो वो भी क्या होगा परिमेय परिमेय और अपरिमेय का योग भी परिमेय होता है और परिमय और अपरिमय का गुणनफल भी क्या होता है परिमेय ही होता है परिमेय दो परिमेय संख्या का योग परिमेय और दो अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय लेकिन परिमेय और अपरिमेय का जो योग होगा या गुणनफल होगा दोनों क्या होगा अपरिमेय क्लियर ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ देता है कि दो परिमेय संख्याओं का योग क्या होगा परिमेय होगा अपरिमेय होगा अपरिभाषित होगा क्या होगा तो में दो परिमेय संख्या का योग हमेशा क्या होता है में क्लियर अगला पॉइंट दो पूर्णांकों का योग और गुणनफल हमेशा क्या होता है पूर्णांक पूर्णांकों का गुणनफल और योग हमेशा क्या होता है पूर्णांक दो संख्याओं का भाग ये तो सेम बात कह रहा है इस तरह का देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होगी बताओ सबसे छोटी आभास संख्या दो सबसे छोटी समा आभाज संख्या दो सबसे छोटी विषम आभाष संख्या तीन फर्स्ट प्राइम नंबर टू फर्स्ट प्राइम नंबर जो इवेंट नंबर है कौन टू फर्स्ट प्राइम नंबर जो ऑड नंबर है थ्री क्लियर फर्स्ट प्राइम नंबर टू फर्स्ट प्राइम नंबर जो इवेंट नंबर है टू फर्स्ट प्राइम नंबर जो ऑड नंबर है थ्री फर्स्ट प्राइम नंबर टू फर्स्ट प्राइम नंबर जो इवेंट नंबर है टू फर्स्ट प्राइम नंबर जो ऑड नंबर है वो थ्री क्लियर चलिए लिखना है कि समझ गए बोला तीनों पॉइंट लिखना है तो लिख लीजिए नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे फर्स्ट प्राइम नंबर पहली परिमेय सब सबसे छोटी आभास संख्या दो सबसे छोटी आभास संख्या जो सम संख्या है दो सबसे छोटी आभास संख्या जो विषम संख्या है, 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 है तीन क्लियर चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह है एक से पच्चीस तक क्या गो आभास संख्या आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है अक्सर एक से पच्चीस तक में गो क्या गो आभास संख्या है नौ गो ये सब याद करना है नोट कर लीजिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है इसको नोट कर लीजिए एक से पच्चीस में कुल कितनी आभास संख्या है नौ एक से पच्चीस तक में कितनी आभास संख्या है नौ और एक से पचास तक में कुल कितनी आभास संख्या है पंद्रह एक से पच्चीस तक में कितनी आभास संख्या है नौ और एक से पचास तक में क्या गो आभास संख्या है पंद्रह आभार संख्या पता है ना जो खुद से कटे और एक से कटे जो खुद से कटे और एक से कटे यानी वैसी संख्याएं जिसे कितने फैक्टर हो दो वैसी संख्या जिसे कितने फैक्टर हो दो चले अगला पॉइंट है एक से पचहत्तर तक में क्या गो आभास संख्या है इक्कीस गो एक से पचहत्तर तक में क्या गो आभास संख्या है इक्कीस गो एक से सौ तक में क्या गो है पच्चीस गो ये सब नोट कर लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक से पचहत्तर तक में इक्कीस आभास संख्या एक से पचहत्तर तक में पच्चीस आभास संख्या एक से सौ तक में ये जो भी है महत्वपूर्ण पॉइंट है इसको नोट करना है इससे क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं इससे क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं चले ये वाला क्वेश्चन जो है बीपीएससी के एग्जाम में पूछा हुआ किसी भी पूर्णांक वर्ग संख्या का इकाई अंक दो तीन सात आठ नहीं हो सकता ठीक है जैसे देखो एक का स्क्वायर क्या होगा एक दो का स्क्वायर क्या होगा चार तीन का स्क्वायर क्या होगा नौ चार का स्क्वायर क्या होगा सोलह पाँच का स्क्वायर क्या होगा पच्चीस तो ये अगर वर्ग है अगर वर्ग है तो यानी कि यूनिट प्लेस पर क्या होना चाहिए एक चार नौ छ पाँच जीरो अगर वर्ग नहीं है अगर वर्ग नहीं है तो यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए दो तीन सात आठ बात समझ में आया कह रहा है कि कौन कोई भी पर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होगा तो परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे एक चार नौ छः और पाँच और जीरो होना चाहिए अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो दो तीन सात आठ वर्ग नहीं है तो दूसरे यूनिट प्लेस पे क्या होगा दो तीन सात आठ अगर वर्ग होगा तो ये एक इसमें से कोई भी होगा ये वाला बीपीएससी के क्वेश्चन में आया था कि किसके यूनिट प्लेस पर कौन ऐसी संख्या है जो परिपूर्ण वर्ग है जिसके इकाई अंक पे क्या होगा तो अगर एक चार नौ छः पांच और जीरो होता तो वो परिपूर्ण वर्ग होगा अगर नहीं होता तो वो वर्ग नहीं होगा क्लियर चले ठीक अगला देखो पूछिए रहा है कि सम अंकों वाली किसी संख्या के पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल निकालने पर प्राप्त में अंकों की संख्या जैसे मान लिया जाए कितने डिजिट का है मान लिया जाए चालीस छियानवे कितने डिजिट का है बताओ चार डिजिट का जितने डिजिट का है तो इसके वर, ये इवेंट नंबर है कि ऑर्ड नंबर एक दो तीन चार इवेंट नंबर है अगर इवेंट नंबर है तो कह रहा है कि इसमें कितना इसका वर्गमूल वर्गमूल निकालेंगे तो कै गो अंक आएगा तो चार को किससे डिवाइड कीजिए कै गो डिजिट है चार इसको दो से डिवाइड कीजिए यानी दो आंसर आएगा बात समझ में आया? यहाँ मान लिया जाए जैसे ऐसा लिखा रहता दो तीन चार छ आठ चार तो कै गो है बताओ छो तो छः गो है तो इसके वर्गमूल में कै गो अंक आएगा तीन आया जितने डिजिट का है जितने अगर इवेंट नंबर वाला है चार डिजिट का है तो वर्गमूल की संख्या दो अगर छः डिजिट का है तो वर्गमूल की संख्या तीन यानी अगर इवेंट नंबर है तब अगर इवेंट नंबर है सम अंकों वाली सम अंक सम अंक मतलब एक दो तीन चार कितने अंक सम अंक होंगे इवेंट अंक होंगे वें और यही अगर ऑड होता अगर ऑड होता तब कितना होता बताओ जैसे मान लिया जाए ये रहता बताओ दो तीन पाँच सात आठ कौन सा इवन है कि ऑड है ऑड है गिनो कै पीस एक दो तीन चार और एक पाँच पाँच पीस है ना ऑड है पाँच पीस क्या हो गया ऑड तो और इसमें वर्गमूल में कितने अंक होंगे पाँच प्लस वन बाई टू यानी इसमें कितने अंक आ जाएंगे बताओ तीन अगर इवन प्लेस है तो इवन प्लेस है तो काउंट कर लीजिए और उसका दो से डिवाइड कीजिए अगर ऑड प्लेस है अगर ऑड प्लेस है तो क्या करिएगा कितने पीस है पांच तो पांच प्लस वन बाई टू अगर इवेंट प्लेस है तो डायरेक्ट टू अगर छः नंबर होता है छह बाई टू आठ नंबर होता है आठ बाई टू लेकिन ऑड प्लेस में वर्गमूल की संख्या क्या होगा ऑड प्लेस है तो जितना है उससे एक बढ़ा के और दो से डिवाइड करेंगे क्लियर तो बताइए अगर ये आठ गो रहता यहाँ क्या गो वर्गमूल में अंक होगा बताओ क्या गो डिजिट है आठ गो तो डायरेक्ट आठ बटा दो कितना हो जाता आठ कितना पीछे आठ पीछे पीछ ना तो आठ बटा दो चार हो जाता लेकिन वही अगर तीन रहता ठीक है तो एक बढ़ाइए चार बटा दो क्या हो जाता दो क्लियर वर्गमूल में अंकों की संख्या ये फॉर्मूला तो याद है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष याद है फॉर्मूला भाज्य बराबर कियातालीस में अगर पांच से भाग देते हो तो क्या लिखते हो आप आठ पूर्णांक बटा लिखते हो आपने क्या किया पांच से भाग दिया किस में इकतालीस में तो पनी अठी चालीस तो ऐसे ना लिखते हो आठ पूर्णांक एक बटा चार अब पांच अब इसको पूर्णांक कैसे तोड़ते हो ये इंटू ये प्लस ये अब बटा पांच ये पाँच। करते हो ये क्या इकतालीस बटा पांच 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 कट गया तो यहां क्या आ गया इकतालीस बराबर आठ गुना पांच प्लस एक इकतालीस क्या है बताओ इकतालीस क्या है भाज आठ क्या है आठ क्या है भागफल पांच क्या है भाजक एक क्या है शेष तो फॉर्मूला समझ में आया भाज्य बराबर क्या होता है बताओ भाजक गुना भागफल जोड़ शेष डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर देखो तो इकतालीस में पांच से भाग दो तो पानी ठीक चालीस आठ पूर्णांक एक पूर्णांकटा पांच पूर्णांक कैसे तोड़ेंगे आठ पांच चालीस प्लस एक बटा पांच तो यह क्या है भाज्य इकतालीस क्या है भाज्य आठ क्या है भागफल पांच क्या है शेष भाजक और एक क्या है शेष तो भाज्य बराबर क्या होगा भाजक गुना भागफल जोड़ शेष भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष ये फॉर्मूला हो गया डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर चल फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म ये तो पता ही होगा एपी सीरीज समांतर सीरीज यानी एपी सीरीज है ए फर्स्ट टर्म ए प्लस डी सेकेंड टर्म ए प्लस टू डी थर्ड टर्म ए प्लस थ्री डी ए प्लस फोर डी एंड सो ऑन क्लियर तो फर्स्ट टर्म कौन होता है डी क्या है कॉमन डिफरेंस एन नंबर ऑफ टर्म और टी एन लास्ट टर्म तो टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी एन बराबर क्या होगा टी एन माइनस ए बाई डी प्लस वन ये क्या है लास्ट टर्म ये क्या है फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस प्लस वन और इसी में सम का फॉर्मूला क्या पढ़े थे एन बाय टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म नंबर ऑफ टर्म निकालना है एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म क्लियर एन बाय टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म एपी सीरीज सम ऑफ एपी सीरीज एन बाय टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म क्लियर Some of the cities वही है अभी जस्ट बताए थे सम ऑफ एन टर्म एन बाय टू फर्स्ट प्लस लास्ट फॉर्मूला सम ऑफ एन टर्म एन बाय टू फर्स्ट प्लस लास्ट सम ऑफ एन टर्म एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी समेशन का फॉर्मूला समेशन का फॉर्मूला हो गया चलें ये जीपी सीरीज़ है जीपी सीरीज का फॉर्मूला नोट कर लीजिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसन अर्थोमेट्रिक सीरीज में क्या होता है ना जैसे दो चार छ आठ दस ऐसा सीरीज चलता है ये एपी का सीरीज हो गया। मतलब लगातार नंबर और जीपी में क्या होता है इसका कॉमन डिफरेंस सेम होता है और जीपी में कॉमन रेशियो सेम होता है एपी में कॉमन डिफरेंस सेम होता है जीपी में कॉमन रेशियो सेम होता है इसलिए यहां पर आड़ को हम लोग लिखते हैं कॉमन रेशियो एपी सीरीज और जीपी सीरीज चले चल देखिए बचपन से फॉर्मूला पढ़े थे ए प्लस बी का होल स्क्वायर याद है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर ये सब छोटा छोटा फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर टू इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये जो फॉर्मूला है ना ये अक्सर एग्जाम में पूछता है इसका अक्सर यूज आता है फॉर्मूला वाला स्क्वायर निकालना ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और बेसिक्स फॉर्मूला है जो कि सबको पता होना चाहिए क्लियर बहुत आसान फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब समझते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब हो गया ए प्लस बी को किससे गुना करना ए प्लस बी से तो बताओ गुना करोगे ए को ए से तो ए स्क्वायर फिर ए को बी से ए बी फिर बी को ए से बी ए और फिर बी को बी से बी स्क्वायर तो क्या फॉर्मूला आएगा ए स्क्वायर टू ए बी और बी स्क्वायर होगा ना फॉर्मेट पे आएगा कि नहीं आएगा ए स्क्वायर टू ए बी और बी स्क्वायर ए को ए से ए स्क्वायर ए को बी से ए बी बी ए बी स्क्वायर फॉर्मेट पे आ जाएगा <coughs> हाँ क्या हो गया चलो नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स टाइप्स ऑफ़ ऑफ़ क्वेश्चन, क्वेश्चन, डिफरेंट स्टार्ट करते हैं। क्या है देखो दो अंकों की संख्या और अंकों को बदलने से प्राप्त संख्या का अंतर डी है तो उस संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा तो हमेशा किससे डिवाइड करेंगे नौ से कोई भी दो अंकों की संख्या रहे जैसे टेन वाई प्लस एक्स दो अंकों की संख्या तो यही ना होता है अब पलटने पर संख्या क्या होगा टेन एक्स प्लस वाई इसको सॉल्व करोगे भाई तो टेन वाई प्लस एक्स माइनस टेन एक्स माइनस वाई सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा नाइन वाई माइनस नाइन एक्स नाइन अगर कॉमन लेंगे तो वाई माइनस एक्स आइडिया मिला तो दो अंकों की संख्या और पलटने से प्राप्त संख्या का अंतर हमेशा किससे कटेगा नौ से दो अंकों की संख्या टेन वाई प्लस एक्स पलटने पर संख्या टेन एक्स प्लस वाई यानी यहाँ ये यहाँ ये यहाँ तो दोनों का अंतर हमेशा किससे कटेगा नौ से और कटने के बाद अंकों का अंतर निकलेगा कर तो अगर नौ से भाग दोगे तो क्या आएगा वाई माइनस एक्स जो कि अंकों का क्या है अंतर तो कोई भी दो अंक की संख्या रहे और पलटने से प्राप्त संख्या रहे उनका अंतर हमेशा किससे विभाज्य होता है नौ से दो अंकों की संख्या और पलटने से प्राप्त संख्या का अंतर हमेशा किससे विभाज्य होता है नौ से और से भाग देने के बाद अंकों का अंतर निकलता है। दो अंकों की संख्या और पलटने से प्राप्त संख्या का अंतर हमेशा किससे विभाज होता है नौ से और नौ से काटने के बाद अंकों का अंतर निकलता है नौ से काटने के बाद अंकों का अंतर निकलता है क्लियर और समझ में आया दो अंकों की संख्या दी रहे पलटने से प्राप्त संख्या दी रहे उनका अंतर हमेशा किससे विभाजित होगा 9 से और 9 से काटने के बाद अंकों का क्या निकलेगा अंतर चलिए पुलिस सर बना पाइए है क्या क्या होगा इसके आंसर जल्दी बताओ अंकों का अंतर क्या होगा y x अंकों का अंतर क्या होगा 99 को किससे भाग देना है 9 से फिक्स है आईडिया मिला दो अंकों की संख्या और पलटने से प्राप्त संख्या का अंतर हमेशा किससे विभाज्य होगा नौ से और नौ से कटने के बाद अंकों का अंतर निकलेगा दो अंकों की संख्या और पलटने से प्राप्त संख्या हमेशा नौ से विभाज्य होगा और कटने के बाद क्या निकलेगा अंकों का अंतर दो अंकों की संख्या और पलटने से प्राप्त संख्या हमेशा नौ से विभाज्य होगा और नौ से काटने के बाद क्या निकलेगा अंकों का अंतर क्लियर बात समझ में आ रही है चलो नेक्स्ट आगे चलें <tune> दो अंकों की संख्या और पलटने से प्राप्त संख्या दो अंकों की संख्या क्या होगा टेन वाई प्लस एक्स और पलटने पर संख्या क्या होगा बताओ टेन एक्स प्लस वाई टेन एक्स प्लस वाई का तो योग कितना है एस सॉल्व करोगे तो क्या होगा बताओ ग्यारह एक्स प्लस ग्यारह कॉमन ले ले तो दो अंकों की संख्या और पलटने से प्राप्त संख्या का योग हमेशा किससे कटेगा ग्यारह से और ग्यारह से कटने के बाद अंकों का क्या निकलता है योग दो अंकों की संख्या दो अंकों की संख्या और पलटने से प्राप्त संख्या दो अंकों की संख्या और पलटने से प्राप्त संख्या हमेशा किससे विभाजित होगा ग्यारह से और ग्यारह से कटने के बाद अंकों का योग निकलता है दो अंकों की संख्या और पलटने से प्राप्त संख्या हमेशा ग्यारह से विभाजित होगा और ग्यारह से कटने के बाद अंकों का योग निकलेगा दो अंकों की संख्या और पलटने से प्राप्त संख्या हमेशा ग्यारह से होगा और ग्यारह से कटने के बाद अंकों का योग निकलेगा क्लियर चल। बोली सर अगला बना पाइएगा बताइए क्या होगा अंकों का योग फटाक से बताओ अंकों का योग क्या निकलेगा बताओ तैतीस में किससे भाग देंगे ग्यारह से तो अंकों का योग क्या निकल जाएगा तीन अगर अंतर रहे तो किससे डिवाइड करेंगे नौ से और योग रहे तो किससे डिवाइड करेंगे ग्यारह से अंतर रहेगा तो हमेशा अंकों का अंतर निकलेगा और योग रहेगा तो अंकों का योग निकलेगा अगर अंतर है दो अंकों की संख्या पलटने से प्राप्त संख्या का अंतर है तो अंतर को किससे डिवाइड करेंगे नौ से और अंकों का अंतर निकलेगा और योग रहे तो किससे डिवाइड करेंगे ग्यारह से ग्यारह से डिवाइड करने के बाद क्या निकलेगा अंकों का योग बोली सर क्या कह रहा है पढ़िए दो अंकों से बनी संख्या का योग दिया हुआ अंकों को आपस में पलटने से प्राप्त संख्या बी अधिक या कम है तो मूल संख्या ज्ञात करें अधिक रहने पर माइनस और प्लस अधिक रहने पर माइनस और कम रहने पर प्लस ये तो फॉर्मूला हो गया सर ये फॉर्मूला से बना सकते हैं अगला क्वेश्चन दो अंकों की संख्या के अंकों का योग दिया रहे आपस में बदल दिया जाए तो मूल संख्या से बी अधिक या कम होगा और मूल संख्या क्या निकलेगा ग्यारह ए प्लस माइनस बी बाई टू अधिक रहेगा तो माइनस और कम रहेगा तो प्लस ये फार्मूला हो गया लेकिन हम फार्मूला नहीं लगाना चाहते हम डायरेक्ट बनाना चाहते हैं देखो डायरेक्ट कैसे बनेगा क्या सिखाए थे बताओ दो अंकों के अंकों का योग कितना है बताओ अंकों का योग कितना है बारह और अंकों का अंतर कैसे निकलेगा बताओ मूल दो अंकों की संख्या और पलटने से प्राप्त संख्या का कितना अधिक है बताओ अठारह तो किससे डिवाइड करेंगे बताओ नौ से तो अब बताओ एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या निकल गया छोटू बारह और एक्स माइनस वाई का वैल्यू क्या निकल गया बोलिए इसको काटेंगे तो टू एक्स का वैल्यू क्या निकल गया चौदह एक्स का वैल्यू क्या हो गया सात एक सात पुट करिए तो सात प्लस वाई का वैल्यू बारह तो वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा बारह माइनस सात यानि क्या ले लें पाँच या तो संख्या फिफ्टी सेवन होगा या सेवेंटी फाइव होगा बोलो कौन सा होगा बताओ फिफ्टी सेवन होगा कि सेवनटी फाइव होगा मूल संख्या से अट्ठारह ज़्यादा है कौन सा नयका वाला नयका वाला अठारह ज़्यादा है नयका वाला संख्या क्या है अठारह ज़्यादा है नया वाला संख्या अठारह ज़्यादा है तो रियल में नंबर क्या होगा अठारह कम होगा तो रियल में आंसर आपका क्या होना चाहिए फिफ्टी सेवन की सेवेंटी फाइव फिफ्टी सेवन कम ना होना चाहिए क्योंकि नया वाला पहले से कितना ज्यादा है अठारह अंकों का योग दिया हुआ था अंकों का अंतर निकालने के लिए किससे भाग देंगे नौ से नौ से भाग दिए दो आ गया सॉल्व किए तो एक्स सा का एक वैल्यू सात और वाई का वैल्यू पाँच एक्स का वैल्यू सात और वाई का वैल्यू पाँच यानी संख्या या तो पचहत्तर होगा या संतावन होगा कह रहा है नया वाला जो है पहले वाले से अठारह ज्यादा है नया वाला पहले वाले से अट्ठारह ज्यादा है यानी रियल में वह संख्या क्या होगा पहले से फिफ्टी सेवन पहले से कम होगा तब ना नहीं का ज्यादा होगा तो अभिष्ट संख्या क्या हो गया फिफ्टी सेवन क्लियर चले अंकों का योग दिया रहे दो अंकों की संख्या के अंकों का योग है से अंतर डी है तो बड़ी संख्या निकालना है तो दोनों को जोड़कर दो से भाग और छोटी संख्या निकालना है तो घटा के दो से भाग योग दिया रहे अंतर दिया रहे सम दिया रहे और डिफरेंस दिया रहे तो बड़ी संख्या निकालना है तो दोनों को घटा के दो से भाग और छोटी संख्या निकालना है तो दोनों को जोड़कर दो से भाग अगर दो संख्या का योग दिया रहा है अंतर दिया रहा है तो बड़ी संख्या निकालना है तो दोनों को जोड़कर दूसरे भाग दीजिए और छोटका निकालना है तो दोनों को घटा के दूसरे भाग दीजिए अब फॉर्मूला हमको नहीं लगाना है हमको फार्मूला लगाने का मन नहीं है तो फिर फिर भी बनेगा क्यों नहीं बनेगा नहीं हमने सिखा दिया कि दो अंकों की संख्या का योग दिया रहे सम दिया रहे और डिफरेंस दिया रहे तो दोनों को या तो दो से भाग जोड़ के दो से भाग दीजिए या दो से घटा के दो से भाग दीजिए तो इतना नहीं करने का मन है तब क्या करेंगे हम लोग ध्यान दो बोली सर डायरेक्ट नहीं बना पाओगे इसको बताओ एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या है बताओ थर्टी सिक्स और एक्स माइनस वाई का वैल्यू क्या है ट्वेंटी फोर बोली सर एक को काटे तो टू एक्स बराबर क्या हो जाएगा तीस बीस पचास दस साठ दो से काटेंगे तो एक्स कितना निकल गया तीस जब एक्स तीस फुट करेंगे तो वाई नहीं निकल जाएगा भाई बताओ तो तो वाई का वैल्यू क्या निकल जाएगा छः क्या पूछ रहा है बड़ी संख्या कौन है तो बड़ी संख्या तीस नहीं नॉर्मल क्वेश्चन था दोनों को काटे टू एक्स बराबर क्या हो गया 5, का वैल्यू क्या निकल गया तीस 30, 30 तीस तो गया नहीं और ऐसे हम फॉर्मूला पे बताए थे तो बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या सिखाए थे बड़ी संख्या निकालना है तो दोनों को जोड़ कर से भाग कौचिगा दूसरे और छोटका निकालना है तो दोनों को घटा के दूसरे ने भाग देगा तो छत्तीस माइनस चौबीस बाई टू बोल भाई कितना होगा बारह बट टू क्या हो जाएगा क्लियर आ रहा है समझ में चलिए बोली सर इसका बनेगा दोनों का गुणनफल पूछ रहा है x प्लस वाई का वैल्यू क्या दिया हुआ है s और x माइनस वाई का वैल्यू दिया हुआ है d समझिए क्या सर इसको सॉल्व कर पाइएगा आप फॉर्मूला पढ़े थे एक्स इंटू वाई निकालना तो एक्स आप एक फॉर्मूला जानते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर फोर ए बी तो ए प्लस बी को हम लोग क्या मानते हैं बताओ एस और ए माइनस बी को क्या मानते हैं डी बराबर फोर ए बी तो ए बी बराबर क्या होगा बताओ एस स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई फोर तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा बताओ ए प्लस डी है इन टू ए माइनस डी तो अब बताओ ये फॉर्मूला निकल के आया सबसे पहले एक्स प्लस वाई का ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर फोर ए बी तो ए प्लस बी का वैल्यू क्या दिया हुआ एस ए माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ डी एस स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर तो ए बी बराबर क्या होगा एस स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई फोर यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी बाई फोर तो ये फार्मूला निकला लेकिन हम लोग को फार्मूला लगाने का मन नहीं है तो हम लोग कैसे बनाएंगे अगर फार्मूला लगाने का मन नहीं है तो कैसे बनाएंगे बताओ चलो बिना फॉर्मूला के आप लोग कैसे बना सकते बताओ सोचो जल्दी x प्लस वाई का वैल्यू क्या दिया हुआ है फोर्टी एट और x माइनस वाई का वैल्यू क्या दिया हुआ है एट इक्वेशन वन और इक्वेशन टू बोल भाई बने है क्या टू एक्स बराबर क्या होगा आठ आठ सोलह छप्पन तो x का वैल्यू क्या निकल गया अब x पुट कर दो x पुट करोगे तो y भी आ जाएगा वाई का वैल्यू क्या निकल गया बीस अब एक्स इंटू वाई निकालना है। तो क्या होगा अट्ठाईस गुना बीस समझ में आया बात नहीं और हमने शॉर्टकट जो सिखाया था इन दोनों को गुना कीजिए सम वाला और डिफरेंस वाला और किससे भाग दीजिए चार से अच्छा। एक बार सम प्लस डिफरेंस यहां पर क्या था दोनों का योग अड़तालीस प्लस आठ और अड़तालीस माइनस आठ और बटा चार फॉर्मूला पे आते तो आठ आठ सोलह छप्पन गुना चालीस बटा चार चार से क्या बार में कटेगा दस यानी पाँच सौ साठ ये फॉर्मूला पे आते तब तो, और नहीं तो फिर डायरेक्ट तो हम लोग एक्स प्लस दिया दिया वाई दिया हुआ है एक्स माइनस वाई दिया हुआ था एक सौ और बाई निकाल के डायरेक्ट प्रोडक्ट कर लीजिए और नहीं तो फार्मूला पे आइए एक बार दोनों को जोड़ेंगे एक बार दोनों को घटाएंगे चार से डिवाइड करेंगे दोनों को जोड़ेंगे दोनों को घटाएंगे किससे डिवाइड करेंगे चार से चले देखिए सर ये भी फॉर्मूला है दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ x- माइनस वाई बराबर क्या दिया हुआ है d, और x इंटू वाई बराबर क्या दिया हुआ है p, x प्लस वाई पूछ रहा है तो आप लोग जानते हो x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर फोर एक्स वाई तो इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है बताओ इसका निकालना है इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है डी बराबर फोर एक्स वाई इसको इधर भेज दीजिए एक्स वाई का वैल्यू पी है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर फोर एक्स इंटू वाई क्या है पी ये उधर चला गया तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा फोर पी प्लस डी स्क्वायर एक्स प्लस वाई बराबर क्या होगा रूट अंडर फोर पी प्लस डी स्क्वायर लेकिन इतना फॉर्मूला कौन लगाने जा रहा है डायरेक्ट बनाएंगे नहीं चलिए देखो क्या दिया हुआ x इंटू वाई का वैल्यू क्या है 270 सौ सत्तर एक्स माइनस वाई बराबर क्या है थ्री एक्स प्लस वाई पूछ रहा है ए प्लस बी बराबर फार्मूला होता है रूट अंडर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस फोर ए बी चलिए तो ए माइनस बी का वैल्यू कितना है थ्री और फोर इंटू टू हंड्रेड सेवेंटी टू हंड्रेड सेवेंटी बोलिए कैसे बनाएंगे नौ और चारू सत अट्ठाइस चार दो नौ आठ दो दस क्या होगा दस सौ नवासी दस सौ नवासी किसका वर्गमूल है तैंतीस का दस सौ नवासी किसका वर्गमूल है तैंतीस का फॉर्मूला पे आएंगे ए प्लस बी बराबर रूट अंडर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस फोर ए बी तो थ्री का स्क्वायर प्लस फोर इंटू टू सेवेंटी सॉल्व करेंगे दस सौ नवासी किसका बरहमूल निकल जाएगा तैंतीस का क्लियर चलिए पुलिस सर बनेगा ये वाला बना के देखिए ए प्लस बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है बताओ थर्टी ए इंटू बी का वैल्यू क्या दिया है दो सौ सोलह बड़ी संख्या क्या है सबसे पहले ए माइनस बी निकालेंगे ऐसे तो इसके लिए फॉर्मूला था क्या फॉर्मूला था पीछे जो सम दिया हुआ क्या फॉर्मूला था इसके लिए जो सम दिया हुआ है उसका स्क्वायर करना है और उसको चार से गुना करके गुणनफल को डाल देना है नहीं डिफरेंस निकालना है तो ए माइनस बी बराबर क्या होगा रूट अंडर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी बस इसी को फॉलो करेंगे तो चलिए ए प्लस ए प्लस बी कितना दिया हुआ है थर्टी और ए इंटू बी कितना दिया हुआ है दो सौ सोलह तो सबसे पहले क्या निकालेंगे ए माइनस बी ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला रूट अंडर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी तो ए प्लस बी कितना बताओ थर्टी का स्क्वायर माइनस चार गुना दो सौ सोलह बोल भाई तीस का स्क्वायर कितना नौ सौ और माइनस दो चौके आठ सौ और सोलह चौके चौंसठ आठ सौ चौंसठ क्या निकल जाएगा छत्तीस किसका वर्मूल है छः का तो ए प्लस बी का वैल्यू अगर तीस है और ए माइनस बी का वैल्यू छः है तो बोलिए अब बन जाएगा क्या टू ए बराबर छत्तीस ए का वैल्यू कितना निकल गया अट्ठारह अगर ये 18 पुट करेंगे तो बी का वैल्यू आ जाएगा बारह बड़ी संख्या क्या है अट्ठारह बड़ी संख्या क्या है अट्ठारह क्लियर चलिए चलिए आज छोड़ देते हैं बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे है ना